इस लेवल पे नंबर आएगा वो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इनफैक्ट वो तो मैं बहुत इंटरेस्टेड होके काम किया मैंने सारी चीज़ों में ये लगा था कि हाँ इंटरेस्टिंग स्पेस है हमें एक्सप्लोर करना चाहिए वहाँ पे बैठ के लोग किस तरह से बात करते हैं उस तरीके से इस शो का आइडिया आया था सुल्तान सारा ये अपर आज हमारे साथ है पंचायत की कास्ट वी हैव जीतू जी डायरेक्टर दीपक जी एंड वी हैव चंदन यू नो

<laughs> तो ये लगा था कि हाँ इंटरेस्टिंग स्पेस है हमें एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ये वाला स्पेस कभी आ, किसी ने पूरी तरह से नहीं दिखाया मतलब हमने पंचायत पहले देखी होगी तो किसी फिल्म में पाँच मिनट के लिए किसी एक सीन में देखी होगी कि एक सीन है बस पंचायत का बट वहाँ पे वहाँ पे बैठ के लोग किस तरह से बात करते हैं उस तरीके से इस शो का आइडिया आया था एंड देन जब डेवलप होके आया शो ने जब चंदन ने और मिश्रा जी ने इसको डेवलप किया पूरी रिसर्च के साथ तो मुझे पढ़ के ये लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग है मतलब अगर कोई देखना चालू करेगा और ख़त्म कर देगा तो उसको अच्छा लगेगा उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार उसने उसके उसका टाइम वेस्ट हो गया उसको मज़ा आएगा बट इस लेवल पे नंबर आएगा वो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इनफैक्ट वो तो शायद उस टाइम पे तो एक वरी थी कि मतलब लोग इस पर जाके क्यों क्लिक करेंगे इसका पोस्टर थोड़ा अलग होने वाला है जो जनरली उस टाइम पे जिस तरह के शोज़ आ रहे थे क्योंकि बहुत ट्रेंडी शोज होते थे उस टाइम पे मतलब जो भी उस टाइम पे हो रहा होता था उस पर अगर कोई स्केच बन गया या उस जैसे जो हमारे पिछले शोज भी थे लाइक पॉमन इंटरूवमेंट्स पिक्चर्स दो ट्रेंडी थिंग्स मतलब पिछ उस टाइम पे स्टार्टअप्स जस्ट आए थे तो एक था कि हाँ लोग देखेंगे और एक एक मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है जो जो तो देखेगा देखेगा बट इसे कौन देखेगा अल्लाह क्योंकि हमारी रीच गाँव में उतनी थी, नहीं थी गाँव की ऑडियंस के साथ उतनी नहीं थी तो हमारी इन रीच इनफैक्ट अर्बन रीच थी जब जब टी के स्केचेज़ आते थे तो अर्बन लोग बहुत देखते थे मेट्रो सिटीज़ में जो यूथ था वो फॉलो करता था बट इस शो को कौन देखेगा वो थोड़ा एक चिंता की बात ही थी तो इट वॉज अबाउट पिक्चर्स एंड एवरी थिंग आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू यू नो बीट पॉमनेंट रूममेट्स बीट पिक्चर्स बीट कोटा फैक्ट्री बीट इवन पंचायत यू द फेस इन दैट कोई ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड है आपके पास कि कोई भी शो आप करते हो वो ऐसा कल्ट क्लासिक बन जाता है <laughs> <laughs> नहीं नहीं आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है बट आई 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 वॉन्ट टू आस दिस क्वेश्चन टू द राइटर्स एंड मेकर्स कि उनके पास ऐसी कुछ जादू की छड़ी है क्या जो जिससे इतनी सा, इतना सारा जादू होता है हमेशा आई थिंक जो भी लकीली जो भी जिन चीज़ों का मैं पार्ट रहा हूँ स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी लिखी गई हैं और मुझे बहुत पसंद आई हैं तो मैं बहुत इंटरेस्टेड होकर काम किया मैंने सारी चीज़ों में बस उतना ही है आई डोंट थिंक कि कोई अलग से मैजिक <laughs> बॉन्ड है